हिंदी निबंध मेरा देश, बहुत ही सुंदर और आसान निबंध हिंदी में। भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर और जनसंख्या में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। इसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है। इसके अतिरिक्त यह श्रीलंका और मालदीव के साथ इसकी समुद्री सीमाएं मिलती है। भारत जो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, इस विविधतापूर्ण भूमि में हर किसी को अपने चुने हुए विश्वास का पालन करने की स्वतंत्रता है। विशाल और विविध परिदृश्य के साथ भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में मजबूती से खड़ा है जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाते हुए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करता है। भारत अहिंसा का पालन करता है। स्वतंत्रता प्राप्त करने में उनकी शांतिपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है, लेकिन आज की इस दुनिया में भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। इसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा तीन रंग होते हैं। केंद्र में अशोक चक्र है। ये प्रतीक शांति, एकता और इसकी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सेना को मिलने वाला परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो बहादुरी दिखाने वाले शूरवीरों को दिखाया जाता है। हमारे देश के नायक वे सैनिक हैं जो हमारी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहा जाता था, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, उसकी इस देश के गठन में सर्वाधिक भूमिका थी। भारत विविध त्योहारों, पहनावे और खान पान वाला देश है। विभिन्न जातियों, पंथों और रंगों के लोग शांतिपूर्वक रूप से एक साथ मिलकर रहते हैं, जो विविधता में एकता का एक महान उदाहरण स्थापित करता है। ये था हम लोग का आज का निबंध। वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। इस तरह का वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।